अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है हाउ टू शो योर फीलिंग्स अबाउट डिसलाइकिंग। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग और समवन, तो कैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव वर्ड्स में, एक अच्छे फ्रेज का यूज़ करके। बिकॉज मोस्टली हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा तो हम बोल रहे होते हैं आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, जो कि बहुत कॉमन बन गया और बहुत ही बोरिंग हो गया। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेज जो कि अट्रैक्टिव भी हैं और बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी वोकैबुलरी है, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम तकरीबन 17 to 18 ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जो हम बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ आई डोंट लाइक इट। पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल फ्रेजेस से जो कि बहुत ईजी हैं और मेमोराइज़ करना भी आसान है। उसके बाद हम जाएंगे हायर लेवल पे और फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे फ्रेजेस। जो पहला हमारे पास फ्रेज है वो है आई डिसलाइक। पहले हम बोलते हैं आई डोंट लाइक इट, अब हम बोल सकते हैं आई डिसलाइक। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो इसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, इसी में थोड़ी बहुत हमने एडिशन की है, वो है आई स्पेशली डिसलाइक। पहले हम बोल रहे हैं आई डोंट लाइक इट, फिर हम बोल रहे हैं आई डिसलाइक, और फिर हम उसी में चेंजिंग लेके आ रहे हैं आई स्पेशली डिसलाइक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट थ्री हैं वो आपस में थोड़े बहुत मिलते जुलते भी हैं और याद करने में भी आसान होंगे। वो हमारे पास है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट, मैं इसका शौकीन नहीं हूँ। अगर हमें हमारा कोई फ्रेंड या फिर कोई शख्स हमें कुछ ऑफ़र कर रहा है तो हम कह सकते हैं आई डोंट लाइक इट की जगह कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ्रेंड हमें कह रहा है कि आओ चलते हैं मूवी देखने, कॉमेडी मूवी देखने, तो हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉमेडी मूवीज़ बिकॉज आई लाइक हॉरर मूवीज़। सही हो गया, ये बहुत ही सिंपल और मज़े का सेंटेंस है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, मैं इसकी हक में नहीं हूँ। पहले हमने देखा है कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं इसको शौकीन नहीं हूँ। अब हमारे पास है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई कह रहा है कि ये जो काम है ये कल कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्रोकेस्टिनेशन, मैं ताखीर के हक में नहीं हूँ, मैं अपना जो काम है रोज़ का वो कल पे नहीं छोड़ता, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। सही हो गया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट जो फ्रेज़ हमारे पास है वो भी इसी तरह का है, वो है आई एम नॉट फैन ऑफ। सही हो गया। पहले हमने देखे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन नहीं हूँ, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, मैं इसके हक में नहीं हूँ, और अब है कि आई एम नॉट फैन ऑफ, मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ। हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट फैन ऑफ ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, मैं जो ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर है उसका फ़ैन नहीं हूँ। सही हो गया। हम इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से डोंट लाइक इट की जगह। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है वो है आई डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद है, उसकी जो पीक लेवल है, जो मतलब आपकी जो नफ़रत है उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हाईनेस है, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद है, तो आप कह सकते हैं कि आई डिस्गस्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी सिंपल है आई हेट। हम यूज़ कर सकते हैं डोंट लाइक इट की जगह आई हेट, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं इस चीज़ से नफ़रत करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है आई कंडेम। आई कंडेम का जो है इसका मतलब होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, हम शो कर रहे हैं कि हम इसके जो अप्रूवल है इसके हक में नहीं हैं। कंडेम का मतलब होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, आप अपना जो डिसअप्रूवल है वो शो कर रहे हैं, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं डोंट लाइक इट की जगह। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई एम नॉट क्रेज़ी अबाउट इट, मैं इसके बारे में क्रेज़ी नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है हैव यू सीन क्रिकेट मैच, क्या तुमने क्रिकेट मैच देखा है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट क्रेज़ी अबाउट इट, मैं इसके बारे में क्रेज़ी नहीं हूँ, या मुझे इसका इतना शौक़ नहीं है, तो आप इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो भी सिंपल सा है और अच्छा भी सेंटेंस है, ये है कि इट्स नॉट फॉर मी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, क्या आपको पिज़्ज़ा खाना है, तो आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स नॉट माई थिंक, ये मेरी चीज़ नहीं है, मतलब कि जो आपकी लाइक्स हैं उनमें वो चीज़ें नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, या फिर इट्स नॉट माई थिंक, ये मेरी चीज़ या मेरे करने वाली चीज़ नहीं है। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई बैन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं कि आई बैन हिपोक्रेसी, मुझे दोगलापन पसंद नहीं है,
तो हम इसकी जगह सिंपल हम पहले यूज़ करते हैं कि आई डोंट लाइक हिपोक्रेसी, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं कि आई बैन हिपोक्रेसी, मैं हिपोक्रेसी को बैन करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है इंटेंसिवली फीलिंग, इंटेंस फीलिंग ऑफ डिसलाइक। जो डिसलाइक की फीलिंग है वो बहुत ही इंटेंस हो चुकी है, मतलब कि हम कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में बेहद नफरत करना। ये चीज़ जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नापसंद है, जिससे आप बहुत नफरत करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि आई डिटेस्ट। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई अबोर। अबोर का मतलब भी होता है नफरत करना या डिसलाइक करना, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई एम रिपल्स्ड बाय। आई एम रिपल्स्ड बाय, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं आई डोंट लाइक इट की जगह। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो है वो है आई डोंट प्रेफर, मैं प्रेफर नहीं करता। ये भी इसका मतलब यही होता है कि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट प्रेफर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आई डोंट प्रेफर समर सीज़न बिकॉज आई एम फैन ऑफ विंटर सीज़न, मैं जो गर्मियां हैं उसको उसका प्रेफर नहीं करता क्योंकि मुझे सर्दी पसंद हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम अपने जो लैंग्वेज है उसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको वास्ट कर सकते हैं। तो आइंदा जो है हम आई डोंट लाइक इट नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे आई एम नॉट फैन ऑफ, हम बोलेंगे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, हम बोलेंगे आई एम नॉट फैन ऑफ, हम बोलेंगे आई बैन, हम बोलेंगे आई डिटेस्ट, और हम बोलेंगे आई डोंट प्रेफर, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इन तमाम फ्रेजेस का यूज़ करने की कोशिश करेंगे और आइंदा आई डोंट लाइक इट नहीं बोलेंगे, बल्कि इसमें वेरिएशन लेके आएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।